रवि जी आपसे जानना चाहूंगी, इसके लिए कोई वैक्सीन बनी हुई है क्या? क्योंकि देखा जाए तो जैसे एक कोरोना वायरस आया, ये तो चलिए ये वायरस थोड़ा सा अलग था कि जिसके ऊपर वैक्सीन बनी, लेकिन इससे पहले हमने देखा था कि बर्ड फ्लू भी फैला हुआ था या चिकन फॉक्स होना, ऐसी कई बीमारियां हैं जो पक्षियों के वजह से होती है, तो इसके ऊपर कौन कौन सी अलग अलग वैक्सीन बनी हुई है और क्या वो वैक्सीन कब लेनी चाहिए, कब लेना सही होगा, इस पर भी आप जरा जानकारी दीजिए। चिकन पॉक्स, नाम चिकन पॉक्स है लेकिन उसका मुर्गियों से कुछ लेना देना नहीं है, और इसकी वैक्सीन बिल्कुल है। हम बच्चों को देते हैं और सीनियर सिटीजन्स को भी देते हैं। हाँ। H1N1 जो स्वाइन फ्लू है वो अभी इतना खतरा नहीं है, वो सीजनल होता है, उसकी वैक्सीन है लेकिन बहुत इफेक्टिव नहीं है। जब अपने यहाँ अपने देश में 2009 में जब एपिडेमिक पैंडेमिक की तरह हुआ था पूरे दुनिया में, तब वो वैक्सीन थोड़ी इस्तेमाल में आई थी। लेकिन ये जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, तो उस जैसे मैंने आपको कहा, दो रास्ते से ये कबूतर बीमारी करते हैं। एक तो एलर्जी करते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी मतलब एक तरह का आप समझ लीजिए सिंपल भाषा में एलर्जी है। तो एलर्जी जब टालनी है तो जिस चीज़ से एलर्जी होती है वही चीज़ टालनी है। इसीलिए जो कबूतर घूम रहे हैं, पेड़ों पर रह रहे हैं, वो तकलीफ नहीं करते क्योंकि उनका और आपका संबंध बहुत कम आता है। कबूतरों के जो थाने बनाए जाते हैं जहाँ उन्हें फीडिंग किया जाता है, या फिर घर में कहीं तो भी वो घरौंदा करके रहते हैं, घोंसला करके रहते हैं, वहाँ खतरा है जहाँ आपका एक्सपोजर कंटिन्यूस हो। तो वैक्सीन इसके लिए यही है कि उनसे बहुत संपर्क में मत रहे। ज़्यादातर ये बीमारी पहले उन्हीं में लोगों में देखी जाती थी जो कबूतर शौकिया या किसी वजह से पालते थे। दूसरा रास्ता जिससे वो बीमारी करते हैं वो इन्फेक्शन है। उनको इन्फेक्शन होता है जो उनके ड्रॉपिंग्स, जो उनकी शौच है वहां से जो आते हैं, और वो जो हमारे घर में वो छींटे पड़ी रहती है या उनके पंख जो झड़ जाते हैं छोटे छोटे, वो बीमारी हमें देते हैं। तो वो तो इन्फेक्शन है, वो पकड़ में आना जरूरी है क्योंकि उसका इलाज है अपने पास। अगर जल्दी पकड़ में आया तो उसके लिए वैक्सीन उपलब्ध भी नहीं है लेकिन उसकी कोई खास जरूरत